भक्ति योग से बात को आरंभ किया। भक्ति योग क्या होता है? पति और पत्नी दोनों मिलते हैं तो 9 से 10 महीने के बाद एक संतान का जन्म होता है, लेकिन भक्ति और भगवान दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां एक नहीं, वहां 2 संतानें होती है। और वर्णन है कि जनत्य आसु शीघ्र ही, आसु माने शीघ्र, दोनों के मिलने से शीघ्र ही 2 संतानें पैदा होती हैं, वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम भजन करते हैं और अपना भजन भगवान को समर्पित करते हैं तो उससे 2 चीजें मिलती हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, और वैराग्य उसे कहते हैं जो हमें संसार के भोगों से निवृत्त कर दे। परमात्मा के भजन से ये दोनों चीजें मिलती हैं, ये भागवत का सिद्धांत है। सुने, वर्णन है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान के अति प्रसन्न होने पर हमारा भक्ति योग बढ़ता है। भक्ति योग का मतलब हमारा भजन भगवान ने स्वीकार कर लिया। भक्ति और भगवान का मिलना ही भक्ति योग है। जब ये दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे संसार में पति और पत्नी का मिलाप, उन दोनों के मिलने से एक संतान जन्म लेती है और उसको 9 से 10 महीने लगते हैं जन्म लेने में, लेकिन भक्ति और भगवान जब आपस में मिलते हैं तो जनत्यासु आसु शीघ्र, देर नहीं बिल्कुल शीघ्र ही यहां भी 2 संतानें पैदा हो जाती हैं। एक का नाम है वैराग्यम, दूसरे का ज्ञानम च यद हेतुकम। 2 हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? जो हमें ईश्वर से जोड़ता है उसे ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य क्या है? जो हमें संसार के भोगों से, संसार की कामनाओं से निवृत्त कर देता है उसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रही है? तो मरी मराई तालियां मत बजाया करो। तो यहां से कथा को आरंभ किया। दोनों चीजें जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ लेना नहीं है, ज्ञान का मतलब है ईश्वर की स्मृति हो जाए, देह से उठ जाए। ज्ञान मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा है, अपने ज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी हम लोगों से बात करते हैं। वह उनकी बड़ी महिमा है, उन्हें इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। उनका किया गया सत्कार्य ही प्रकृति का सौंदर्य बढ़ा रहा है। ऐसे बड़े श्रेष्ठतम महापुरुषों से मेरी मुलाकात हुई है, उनका इतना सुनहरा जीवन है, इतनी मस्ती का जीवन है उनको, ना उन्हें पहनने पर ध्यान है, ना खाने पर ध्यान है, ना दुनियादारी से ध्यान है। चाहे उनकी कोई स्तुति करे, चाहे उन्हें कोई गालियां दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष जिन्हें अपने आप का होश ही नहीं है बिल्कुल, और ऐसे महापुरुष दुनिया के ऊपर कृपा की बरसात कर रहे हैं। दोनों चीजें उनके अंदर होती हैं, ईश्वर से जुड़े हैं इसलिए उनके पास ज्ञान है, संसार से कुछ नहीं चाहिए इसलिए उनके पास वैराग्य है। और जिसके पास ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों चीजें होंगी, भगवान उसी के हृदय में बैठेंगे आके। वही तो सीधा रामायण में प्रसंग है केवट का, केवट के पास तीनों चीजें, उसके पास ज्ञान है, कहता है कहो तुम्हारो मर्म में जाना। जो भगवान को समझने को चल पड़े हैं, अपने आप को पहले समझो तभी भगवान को समझ पाओगे, ये ज्ञान है। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, ये वैराग्य है। भक्ति क्या है? आज नाथ कहा न पावा, आज नाथ में कहा न पावा, मिट ही दोष, कृपा तो आपने ऐसी कर दी है, अब क्या चाहिए? मुझे आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया, आप मिल गए, क्या चाहिए? तीनों चीजें हैं, तभी तो उसके हृदय की नौका में भगवान आके बैठते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी आपकी हृदय रूपी नाव में भगवान को आके विराजित कर देती है। पूर्व के भागवत के वक्ताओं को आप देखिए,
भगवान के लिए फूट फूट करके रोते थे, भगवान उनके हाथ की हथेली पर रखी हुई सामग्री का भोग लगाते थे। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा।